लगभग 1890 में ट्रिनिदाद टोबैगो चले गए हैं। इतने दिन इनके पूर्वज भले चले गए हैं, लेकिन आज भी इनको गांव की मिट्टी की महक खींच लाती है। आइए जानते हैं मैम से क्या कहना। मैम, जैसे 1890 में आपके पूर्वज यहाँ से चले गए हैं, हाँ, तो आज भी आप लोग जैसे चले आते हैं, यहाँ की मिट्टी खींच लाती है, क्या सकता है? मेरे लिए मेरे दिल बहुत भाव है, क्योंकि मेरी दादा 1819 में ट्रिनिदाद गए थे, और हम हमेशा सोचते हैं कि किस गांव दादा से आए थे, क्योंकि जब हम दादा बूढ़े थे, हमेशा कहते हैं क्या, हम दादा वट दारे से पीछे हम मरे सुमेर, हम इंडिया जाएला। हाँ, जब बूढ़े हमेशा रोते रोते हैं, हे राम सुमेर मेरी आजा है, तो हम इंडिया जाएला, लेकिन वापस नहीं आते। तो मेरी सबसे बड़ी बहन ये सब जानते हैं, क्योंकि आजा उनके साथ हमेशा ऐसा करके बताते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि शायद हम जाएंगे, तो हम रिसर्च करते थे, और इमिग्रेशन पास मिली, और इमिग्रेशन पास पे अजमगढ़ के नाम है, चवेता के विलेज है, तो हम ढूंढे और मिला था विलेज। तो आज मैं पहली बार आई थी, लेकिन वो 2 साल पहले आए थे। और हम जब हम गांव में हैं, परिवार आते हैं, हम रोते हैं और हमारे पूजा करते हैं, माला हम पे डाले हैं। अभी जैसे लगता है आपको कि यहाँ की मिट्टी की महक आपको वहाँ भी लगती है? हाँ, लगती है। वो इतना अच्छी भाव इसके मिट्टी के लिए हमारे पास, तो ऐसा है, हम बहुत खुश हैं कि सब लोग मिला अजमगढ़ का, और बहुत बहुत खुशी है। हमारे पूर्वज भी, मैं सोचती हूँ हमारे पूर्वज भी, हमारे पौज में लगती है कि वे लोग खुश है कि आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। यह कहना है बिमला राम सुमेर का कि अपने गांव की मिट्टी की महक मुझे आज भी खींच लाती है। अजय कुमार मिश्रा, ETV आजमगढ़। ठीक है भैया।